तो हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों की भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है? अगर हो जाती है तो यहाँ पर मैं सिंपली सीधा सा एक अच्छा सस्ता सा जुगाड़ लेकर आया हूँ। सो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लेना, और जिससे कि और भी आने वाली न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो प्लीज दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। अब दोस्तों, अगर आप लोगों की भी बैटरी जल्दी से डिस्चार्ज होती है तो मैं बता देता हूँ कि इसका एक बहुत ही सिंपल सा जुगाड़ है। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास ये जो यहाँ पर 3.7 वोल्ट की बैटरी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि मोबाइल में यूज होती है। अब दोस्तों, इसी के साथ जो है हम अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो कि जैसे कि हमारी ये जो बैटरी है 1 घंटे चलती थी, उसी के माध्यम से मतलब ये छोटी सी बैटरी हम इसको 5 से 7 घंटे कैसे चलाएं। इसलिए दोस्तों, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं कि आपको इनके साथ। अब देखिए, सबसे आपको इसमें जरूरत होगी कुछ इतनी सारी बैटरी होगी। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो बैटरी पैक। अब दोस्तों, इनसे जो है हम बैटरी के जो है एम्पियर बढ़ाएंगे, वोल्टेज नहीं बढ़ाएंगे। एम्पियर को कैसे बढ़ाना है, चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ। इनको सिंपली आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं अपनी इस धमाकेदार वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं आ चुका हूँ अपनी वर्किंग टेबल पर। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो मेरे जो हाथ में जो बैटरी, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो 3.7 वोल्ट की। अब दोस्तों, हम इसी से जो है बैटरी पैक बनाकर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ये जो जियो की बैटरी आप लोग देख सकते हो, इसकी जो टर्मिनल है सबसे अलग है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव और निगेटिव है अलग अलग है। हालाँकि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, जो हमारा सैमसंग का बैटरी है उसका जो टर्मिनल है वो सेम है, लेकिन ये जो जियो का टर्मिनल है वो अलग है। इसीलिए हम इसको जो है बाद में लगाएंगे जियो की बैटरी को। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लो, इसी तरीके से मैं आपको कंटेंट लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, अब इनको टैप की सहायता से जो है चारों तरफ से लपेड़ लेते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, जो हमारे बूट कटिंग में यूज होता है टैप, उसका मैंने मदद लिया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, आप किसी से भी इसे चिपका सकते हो, डबल टैप से भी चिपका सकते हो। चलिए, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमारा पैक है, बैटरी पैक बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पर पीछे आप जियो का बैटरी देख सकते हो, इससे जो है मैच नहीं खा रहा है, पर कोई बात नहीं, इसको भी हमने यहाँ पर चिपका दिया है। अब देख सकते हो, अब बारी आती है इस पर सोल्डरिंग करने की। तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जो इसका प्लस और माइनस पॉइंट है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो पॉजिटिव और निगेटिव, इसमें आपको क्या करना है, एक तरफ दोस्तों आपको पॉजिटिव वाले जो सिरे होते हैं उनको एक साइड आपको कनेक्ट करना है, और जो दोस्तों नेगेटिव वाले साइड होते हैं उनको एक साथ कनेक्ट करना है। आपको सीरीज कनेक्शन नहीं करना है, वरना तो दोस्तों आपकी जो ये जो बैटरी है 3.7 वोल्ट की, ये आपकी 12 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, आपको इसे वोल्टेज नहीं बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ एम्पियर बढ़ाना है। तो हम इसमें देख सकते हो, यहाँ पर येल्लो कलर का वायर जो है पॉजिटिव के लिए यूज कर रहे हैं। आप सभी लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये जो यहाँ पर जो हमारा बैटरी जियो का है, इसका जो टर्मिनल है अलग है, इसीलिए हम दोस्तों इसको लगाएंगे थोड़ा चेंज करके। चलिए, ब्लैक वाला वायर लगाते हैं हम जो नेगेटिव पॉइंट पर। आप सभी लोग देख सकते हो, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, जो हमारा जियो का बैटरी, इसका टर्मिनल अलग है, इसीलिए हम इसके जो दोनों वायर है आपस में एक्सचेंज कर देंगे कुछ टैप लगा करके। चलिए, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर तो इसे सोल्डरिंग कर दिया है, बचा इसका जो नेगेटिव वाला सिरा, इसीलिए हम दोस्तों यहाँ पर जो है टैप लगा देंगे। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जो हमारा बैटरी पैक है बनके रेडी हो चुका है कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस बैटरी पैक की आपको जो है टेस्टिंग करा के नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी हो चुका है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो और बेल आइकन मोड पे जरूर प्रेस कर लेना, जिसकी और भी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा जो है एक्सपेरिमेंट इस बैटरी के साथ अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं ऐसी धमाकेदार न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।